तो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, वेलकम बैक टू द एक्सप्लोरेशन। अब आज हम लोग बात करने वाले हैं इस i20 के बारे में। ये है i20 मैग्ना मॉडल 2022 और आपका पेट्रोल वर्जन है। एंड ये बिलोंग करती है भैया को, शुभम भैया को। तो ये भी आपको चैनल पे अब दिखने वाले हैं थोड़े दिनों में, कुछ अच्छे चीज़ों के साथ। एंड हम इसकी बात कर लेते हैं, भैया को बिलोंग करती है गाड़ी, अभी इन्होंने लिया। तो आपकी फर्स्ट कार है? यस, मेरी फर्स्ट कार है। तो मैं जानना चाहूँगा, इधर आ जाओ भैया, थोड़ा सा लाइट का है। हाँ, तो भैया मैं जानना चाहूँगा आपसे, जैसे आपकी फर्स्ट कार है तो आपका क्या रीज़न रहा कि आपने i20 देखी, आप बलिनो वगैरह पे क्यों नहीं गए? क्योंकि सबसे मेन पॉइंट अगर उसका आता है तो वो इसलिए आता है कि उसकी पहली तो बॉडी देखी जाती है। हाँ हाँ, उसकी बॉडी से उसकी तुलना की जाएगी तो उसी का उसका वीक पॉइंट उसकी बॉडी ही है। और उसके बिहार पे हमें i20 ही सबसे बेस्ट लगी, बॉडी के हिसाब से, इंजन के हिसाब से, इसकी साइलेंट के हिसाब से, और जो स्मूथली चलती है इसका कोई तोड़ नहीं है। ओके, हमें इसमें कुछ भी कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। कि अगर आप ये सोच रहे हो कि 8 लाख में आप क्या लोगे। हाँ, इसमें यार फोग लैंप भी आ रहे हैं, मैं अभी देख रहा था, फोग लैंप भी आपके आ रहे हैं और ये इतने प्यारे से इंडिकेटर्स हैं आपके। ये इंडिकेटर हैं, DRL है नीचे, DRL है, बहुत ही बढ़िया। बस हाँ, ये थोड़ा सा लगता है मैग्ना मॉडल है तो आई थिंक यहीं पे देते और इसका ही आता, बट ठीक है। टायर आपके काफ़ी अच्छे लगते हैं देखने में भी। एक बार भी आप ज़रा हुड ओपन कर दो, थोड़ा सा गर्म होगा देख लेना, उस हिसाब से अगर ना हो तो ही आप ओपन करना है इसे। तो वही कुछ इस तरीके का इंजन हमें मिलता है, ये भी सही है, कुछ इस तरीके का इंजन हमें मिलता है। 4 सिलेंडर हमारा इंजन है यहाँ पे, जो मैं बड़ा मिस करता हूँ मेरी नेक्सॉन में। बैटरी मतलब सही है, ज़्यादा घिचपिच भी नहीं है, ठीक ठीक सा ही है। चलो इसको बंद कर देते हैं भैया। और इसमें ब्लैक कलर बहुत चल रहा है, ब्लैक नहीं मिला आपने? ब्लैक कलर ही हमको नहीं मिला। चलो कोई i20 ब्लैक नहीं मिली, वरना हम ब्लैक ही लेते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं इसमें रिबन वगैरह भी लगे हुए हैं, तो हाँ वही गाड़ी अभी की है। अब इसमें एक चीज़ और है, मैंने अभी देखा कि इसको ऐसे दबा के रखेंगे तो ये खुल भी जाएगा, बूट खुल जाएगा आई गेस। हाँ, आपका बूट ओपन हो गया, तो बूट भी काफ़ी सही है। और भैया अभी कहीं ट्रिप वगैरह करा आपने इस पर अभी तक? छोटा मोटा कोई ट्रिप? मेरा भाई गया था इसको जयपुर लेके। ओके, तो बैग वगैरह कितने आ गए थे, कुछ आइडिया? बैग इसके आराम से कंफर्ट आ गए थे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं आपको बताऊँ तो मिनिमम 3-4 बैग इसमें आराम से आ गए थे। 3-4 बैग तो भाई स्पेस भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा स्पेस है, बहुत कम्फर्ट गाड़ी है ये। अगर आप इसे चलाओगे भी या आप कहीं लॉन्ग टूर पे जाओगे तो कहते हैं कि हम किसी गाड़ी पे जाते हैं तो थक जाते हैं। इसमें आप थकोगे नहीं, इसमें आप बहुत कम्फर्ट जोन अपना फील करोगे। ठीक ठीक ठीक, इसका ये बेनिफिट है। और 2 आपके रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं आपको प्यारे से, आप ये देखेंगे इंडिकेटर्स भी हैं, ठीक है। LED देते और अच्छा होता, वो ये कोई कोई चीज़ तो हमें बोलनी पड़ेगी ना यार, देखो हर चीज़ अच्छी नहीं बता सकते। क्या है ना, इस गाड़ी में कमियां बहुत कम हैं। एक बार मैं इसके 4 इंडिकेटर चला देता हूँ, तो एक बार मैं, अब जैसे लाइट वगैरह मैंने ऑन करी है इसकी, दिन में इतनी दिखेगी नहीं, बट हैलोजन दिया है यहाँ पे। शायद आपको आपकी बलिनो में ये प्रोजेक्टर मिल सकता था, ये एक मुझे कमी लगी। आपके ये प्रोजेक्टर वाले आपके फॉग लैंप हो जाते हैं, ये आई गेस आपकी DRL है, वो टर्न ऑन होने पे ही होगी। और बाकी अगर पीछे की बात करें तो i20 का जो मेन हाईलाइट है वो पीछे से ही आता है कि भाई इसकी जो लाइट्स हैं वो बड़ी प्यारी सी लगती है। यहाँ से देखोगे तो लाइट जल रही है, वैसे दिन में दिखेगी नहीं इतनी। और रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं है, तो कैमरे का कुछ लगता है आपको कि होना चाहिए था? नहीं, आप देखो मैं इसमें एक चीज बताता हूँ, ये 4 पावर विंडो है, बट ये 1 पिंच अप नहीं है, बट हाँ ये 1 पिंच डाउन है, तो ये चीज काफी सही है। और अंदर से आपके और भी एडजस्ट हो जाते हैं। तो मैं कार को थोड़ा सा एक बार बंद करके इसका पीछे का स्पेस आपको दिखाना चाहूंगा। पीछे के स्पेस की बात करूं तो पीछे का स्पेस सही है, आपके डोर्स कुछ इस तरीके से खुल जाते हैं, ज़्यादा वाइड भी नहीं है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, लाइक आराम से आप बैठ सकते हो। मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं i20 में बैठ रहा हूँ, कुछ इस हिसाब से मेरा स्पेस बन रहा है, आगे की जो सीट है वो मेरे हिसाब से एडजस्टेड है। एंड ये कुछ पीछे से आपका लुक आपको मिलता है यहाँ पे, बड़ा प्यारा सा है। तो भैया पीछे कितनी बार बैठे हो अभी तक आप इसमें? पीछे तो मैं बहुत बार बैठा हूं, क्योंकि पीछे ही बैठता हूं मैं ज्यादा। अच्छा, आगे बैठना मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। ओके। तो भैया की हाइट है 6 फीट है ना भैया? मेरी हाइट है 5'10" 5'10"
और पर बच रहा है अभी, भैया ने बल्कि बाल भी खड़े किए हुए हैं तो फिर भी। हाँ, देखो आप पूरा देखोगे तो बहुत स्पेस है इसमें। और भाई ने भी अपनी आगे वाली सीट सेट कर रखी है, फिर भी आगे लेग स्पेस काफी ज्यादा बचा है इसमें आगे और पीछे। सबसे अच्छी चीज मेरे को ये लगती है क्योंकि मेरी नेक्स्ट वन में है। हाँ, और इसमें चार्जिंग का भी सिस्टम, चार्जिंग का भी सॉकेट पीछे ही यहीं पे है, आप इसमें कुछ भी रख सकते हो। बहुत बढ़िया चीज है, स्पेस काफी ज्यादा दिया हुआ है कार में। चलो भैया अब गाड़ी को एक बार आगे से देख लेते हैं, चला के भी दिखा देते हैं भाई। निकलने में और घुसने में ऐसी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, ये अच्छा सा एक एरिया भी आपको मिल जाता है यहाँ पे ग्लास का, सही लगा मेरे को। आ जाओ भैया, तो अब इसकी ड्राइविंग करते हैं थोड़ी सी, सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं एक बार, थोड़ा सा स्पीकर का आपको आइडिया देते हैं। इसमें कितने स्पीकर है कोई आइडिया भैया? इसमें चार स्पीकर है। चार स्पीकर है, ट्विटर नहीं दिया इन्होंने। दो चार छह स्पीकर है इसमें, वन टू, वो मैं आपकी बात मान गया, बट इसमें ट्विटर है? आई डोंट थिंक है, नहीं है, नहीं शायद वो नहीं है। हाँ, तो इसमें चार स्पीकर हमें मिलते हैं गाड़ी में। एक बार ब्लूटूथ भी अभी लगाएंगे तो हम देखते हैं जरा एनसीएस का कोई गाना चला के कैसा रहता है। भैया स्पीकर के मामले में मैं कहता हूँ कि ठीक है, ओके, बलिनो से ही जीतती है। और स्पीकर बहुत अच्छे हैं भाई, बॉश के स्पीकर हैं आई थिंक, और काफ़ी अच्छा साउंड है बहुत ज़्यादा। बाकी मैं एक बार यहाँ पे लिख दूंगा जिसके भी स्पीकर होंगे, एक बार देख के, मुझे पता नहीं था एकदम से जस्ट प्लान ना। तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ आपका मेन कंसोल की, कंसोल आपको कुछ ऐसा है, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं बटन्स, आपका ट्रिप का हो गया, रीसेट हो गया, आपके ऑडियो कंट्रोल्स हो गए, यहाँ से आप देख पा रहे हैं इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें दिखाता है। तो सारी ये आपका ट्रिप है भी, आपका ये रेंज कितनी आ गई 166। अभी हमने इसमें 1000 रुपये का तेल डलवाया जो कि आपका इसमें आया है। हाँ, अभी ये ज़्यादा ब्राइट हो गया, तो इसमें 10 लीटर तेल आया था, उस हिसाब से ठीक था ये। एंड और हम देखें तो और भी बहुत चीज़ें आ रही है, आपकी एवरेज निकाल के देगा, मैंने रीसेट कर दिया था। अभी तक हमने सिर्फ 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसको चलाया है, और यही सब चीज़ें हैं। और आपका एक छोटा सा सिस्टम है बड़ा प्यारा सा, इसको आप चेंज करा सकते हैं, जो मुझे लगता है कि हाँ इसमें होना चाहिए था, मतलब बाद में करा लो, कोई नहीं यार, 8-9 लाख रुपए में इतना भी ठीक है। कोई दिक्कत भी है? कोई दिक्कत नहीं है यार, स्पीकर इतना खुश कर देते हैं। इसका सिस्टम जो है ना, मेरे को, मेरे भाई को, मतलब हमको बहुत अच्छा लगा है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है इसके स्पीकर में, कोई दिक्कत नहीं है। और आई डोंट थिंक सो कि आपको भी लगेगी, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आपको कुछ भी कराने की बाहर से जरूरत ही नहीं है। नहीं, सिर्फ एक वो है भाई, आजकल जो चल रहा है कि यहाँ वो टच वाला लग जाए जरा डिस्प्ले, वो सबका अपना मेंटेलिटी, वो तो देखो वो वाली बात है, पैसा फेंक तमाशा देख, बस ये वही वाली बात है। और एसी कूलिंग सही है, मैंने एक पे चलाया हुआ, काफ़ी देर से हम लोग इसमें घूम रहे थे, एसी की कूलिंग भी सही है। यहाँ पर आपको नॉब्स मिल जाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि यहाँ पे भी 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, यूएसबी हो गया ये आपका। हाँ, यहाँ पर हिसाब नहीं है ज़रा वो चार्जिंग वाला। और फिर आपका स्पेस, मैंने यहाँ पर अपना कैमरा रखा हुआ ये है, उधर बोतल आई हुई है तो वो भी आप देख सकते हैं, बोतल आराम से आ जाती है आपकी 1 लीटर की। उसके बाद यहाँ पर स्पेस ठीक है बस, हाँ यहाँ रेस्ट आगे नहीं होता, बट उतनी कोई दिक्कत नहीं है, कई गाड़ियों में देते भी नहीं है। और यहाँ से आपकी चारों पावर विंडो है, तो अब गाड़ी को ड्राइव करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो ये रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट हो गया, और अभी जस्ट मैंने ये चीज़ नोटिस करी, मुझे लगा था यार मैग्ना है खाली, ऊपर नीचे होता होगा भाई, ये टेलीस्कोपिक भी है ब्रो। तो हाँ भैया, मैं कहूँगा आपको कि आपने सही डिसीजन लिया i20 लेके, ये शायद बलिनो में तो बिल्कुल भी नहीं है वाला फीचर। ये मैंने आपको इसलिए नहीं बताया था पहले, अच्छा मैंने कहा आप बैठोगे ड्राइविंग पे तभी आपको खुद ही सरप्राइज मिल जाएगा। हाँ, तो बढ़िया है ये चीज मुझे बहुत सही लगी भाई इसमें कि हाँ टेलीस्कोपिक भी दे दिया इतने में ही भाई। तो अब जरा इस कार को थोड़ा सा ड्राइव करते हैं, हैंडल काफी ज्यादा स्मूथ है, बच्चे अंधे हो गए बेचारे प्यार में। चलो तो बाहर ही निकालते हैं कार को यहाँ से, बेल्ट लगा लो भैया। तो भाई पहले बताऊंगा, स्टीयरिंग काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है इस कार का, स्टीयरिंग मतलब वो ये देखो, मैं नेक्सॉन चलाता हूँ तो नेक्सॉन का थोड़ा सा हाँ हैवी है, और इसका काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, मतलब लाइट बिल्कुल। और ये चीज़ आपको गाड़ी की तभी समझ आती है जब आप थोड़ा सा ड्राइव कर लेते हैं। और अब हम लोग निकल गए रोड पर, तो रोड पर थोड़ा सा इसको भगाएंगे एक बार, और आप ये देख सकते हैं कि भाई अच्छा पावर है कार में। 81 bhp ये कार निकालती है 114 mm के टॉर्क के साथ,
और अभी तक गाड़ी की जरा पन्नी वगैरह नहीं लगी हुई है, तो मैं इसलिए ज़्यादा इसे भगा भी नहीं रहा, नॉर्मल चलाएंगे। और अच्छी बात है भाई, आप छोटी गाड़ी लेते हैं इसीलिए कि आपको सिटी में इसके साथ ट्रैवल करना होता है, तो वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से हम सिटी में घूम पा रहे हैं। ट्रैफिक में मोड़ना काफ़ी आसान है, ब्रेकिंग काफ़ी सही है कार की, वरना अभी भैया में लग जाती है अगर नहीं होती तो। हॉर्न का मैं कहना चाहूँगा, पता नहीं हुंडई ने क्या कर दिया है, सिंगल हॉर्न दे रहे हैं ये, बस एक पोंपो वाला, इसमें भाई दो दे दो या फिर पीपी वाले दो दे दो। और बाकी तो अच्छा लग रहा है कार को चला के, कोई ऐसी वो नहीं है कि मतलब मैंने, हाँ बलिनो मैंने चलाई थी, तो बलिनो से मैं कहूँगा कि मेरे को ज़्यादा रिफाइंड और फील आती है, क्योंकि भाई ऑब्वियसली हुंडई का इंजन है, हुंडई का इंजन और ज़्यादा सही रहता है। मारुति भी ठीक है, बस वही है कि उसने अपना थोड़ा सा क्वालिटी डाउन की हुई है। तो अभी इसमें से चला रहा हूँ सेकंड गियर में, और ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि बार बार आपको बड़ा गियर लगाना ही पड़ेगा, आप नॉर्मल इसको चला सकते हैं सेकंड गियर में या थर्ड गियर में, आराम चलाते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपके ओके, ये मुझे समझ नहीं आया लेकिन क्या था ये, क्या भी है आपको भी नहीं पता बोर्ड मैं ज़्यादा कम इसको चलाता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे डीपली इसके बारे में इतना आपको अभी कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी हमें समझने में टाइम लगेगा इसको। बिल्कुल बिल्कुल, कहते ना कोई हाथी खरीदते हैं तो जब तक उसे चलाओगे नहीं तो उसे समझ नहीं आता। बिल्कुल वो वाली बात है, तो ये वही वाली बात है बस। सिटिंग पोस्चर की अगर मैं बात करूँ तो सीट आपको पकड़ के बैठती है, मतलब वो वाली फील है इसमें कि भाई हाँ आप आराम से बैठे। और ये मुझे लगा नहीं था कि ये जो उसका आर्मरेस्ट इतना फंक्शनल होगा, बट सीरियसली अब जो गाड़ी चला रहा हूँ ना तो पता चल रहा है भाई कंफर्टेबल है और हाथ रखने में मज़ा आ रहा है उस पर, तो वो चीज़ मेरे को सही लगी। एंड बाकी देखो सामने से हमारे गाड़ी आ रही है चमकती हुई लाइटों के साथ, एंड इसमें हमने कल ही इसकी सीट कवर डलवाई है। हाँ, इसके सीट कवर भैया ने कल ही लगाए बता रहे हैं, और मेरे को अच्छे लग रहे हैं कि जो आपकी बेसिक किट आती है, बेसिक किट के साथ ही होंगे ना, तो ये बेसिक किट के साथ आपको सीट कवर मिले थे, इसमें सीट कवर सही है। बकेट फिट वाले लिए भी है, नॉर्मल लिए हैं? नॉर्मल है, नॉर्मल है। हाँ, लेकिन मुझे एक चीज़ थोड़ी सी इसमें लगी गाड़ी में, जैसा कि इसका ये ओवर वी एम है, आपका साइड रियर व्यू मिरर है यहाँ पर, ये मेरे को थोड़ा सा लगा कि यार ये ना थोड़ा लंबा होना चाहिए, लाइक चौड़ा सा होना चाहिए था, ये थोड़ा वैसा है, शार्प है। हाँ, आपका अगर आप भगा रहे हो उसमें आपको एक काम करेगा, इसमें है थोड़ा सा ऐसा लुक, बट हाँ थोड़ा सा मेरे हिसाब से इसको होना चाहिए था। अब जैसे हम आ गए हैं थोड़ी खुरदुरी सी रोड पर, मिनी लद्दाख मैं इसको कहता हूँ यहाँ पर, और सही सही है, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे से कोई लगने लगने वाला मैटर नहीं है, से हैचबैक है और बाहर से देखने में लगती है कि भाई काफ़ी नीची है, तो वो वाला यहाँ पे सीन नहीं है इस गाड़ी के साथ, आपको आराम से ले जाती है और ज़्यादा फील भी नहीं हो रहा इतना अंदर, बहुत ही कम फील हुआ है अंदर। फिर जो भैया कॉपी राइट आ जाएगा तो यही सफारी हमारे सामने से, बाकी तो ये अब बस एक बार ज़रा बाहर निकलते हैं रोड पे, इसका टॉप स्पीड कुछ थोड़ा बहुत चेक करते हैं हल्का फुल्का कि भागने में एक्चुअल में है कैसी। हमने बहुत अंदर अंदर चला ली, और सामने खड़ी हमारे ग्रैंड विटारा, ये किसी की डिलीवर हो गई है क्या हुआ है समझता नहीं आ रहा है, बट अच्छी सी लग रही है यार ये तो, मैं तो सोचा छोटी सी है। भैया रिव्यू करने के लिए दोगे क्या ये तो मूछो वाले अंकल है ये कहेंगे नहीं बेटा सॉरी नहीं है, तो चलो एक बार बाहर निकलते हैं फिर इसको करते हैं। तो भाई अब हमें यहाँ पे रोड ना खाली सा मिल गया, मैं थोड़ा सा इसको भगाऊंगा गाड़ी को, बस ये रेड लाइट तक ही। भाई कार की ब्रेकिंग बहुत बढ़िया है, कार भागने में काफ़ी अच्छी है, जो हमारी आइटन थी ना, मतलब मेरे पास पहले आइटन थी तो वो भी कुछ इसी तरीके से परफॉर्म करती थी, बहुत सही है। और जैसे आप स्पीड बढ़ाते हैं तो आपका जो स्टीयरिंग है वो भी काफ़ी हैवी सा हो जाता है, और सही चलती है भाई। देखो एक नॉर्मल हैचबैक के हिसाब से अगर मैं बात करूँ ना, मतलब यार देखो अगर आपको वही भगानी है भगोनी है तो आप एक अच्छी ही कार लेंगे, ज़्यादा महंगी वाली, बाकी इसे आप बहुत अच्छे तरीके से चला सकते हैं अगर आप चलाने वाले इंसान हैं तो। और एनलाइन वेरिएंट भी आता है इसका एक, अगर आपको वैसी लेनी है तो आप वो ले सकते हैं, बाकी मुझे इसमें कोई कमी लगी नहीं। मेरे हिसाब से अगर 8 लाख रुपये में मुझे कोई ऑप्शन देगा कि एक हैचबैक लेनी है
तो मैं भी अब इसके लिए जाऊंगा, क्योंकि भाई इतनी अच्छा सिस्टम वगैरह सब कुछ मिल रहा है, नॉर्मल अपनी गाड़ी अच्छी है, मैंने भी जिस रोडों पे से हमें जाना होता है मैंने वहां से भी चला के देख लिया, कहीं से कोई दिक्कत है नहीं। और ये देखो यार सिंगल मतलब आराम से बहुत स्मूथली, बहुत स्टीयरिंग इसका इतना प्यारा, बहुत प्यारा है यार, बहुत ज्यादा स्मूथ तरीके से मुड़ जाती है, एक उंगली डाल के ही मुड़ जाएगा, बस वही वाला हिसाब है। और भैया हाँ, इस पे मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, इस पे स्टीयरिंग कवर आप लगवा लो एक। बिल्कुल लगवाऊंगा, अभी तक तो हमने गाड़ी के अंदर कुछ भी नहीं करवाया। हाँ नहीं, एक स्टीयरिंग कवर जरूर लगवाओ, इसके अंदर काम करवाना है थोड़ा बहुत, स्टीयरिंग करवाना है बस। अच्छा स्टीयरिंग कवर हो गया और थोड़ी बहुत चीजें हो गई, एम्बिएंट लाइटिंग अगर मन करे तो करवा लेना। हाँ लाइटिंग करवा, मतलब इतनी जरूरी नहीं होती है, बट हाँ फिर भी एक कार को एक लुक देने के लिए तो वो अच्छी है। जैसे हमारा ब्रेकर आया तो ब्रेकर पे से भी आराम से हम लोग निकल जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। नेक्सॉन कहाँ पे कूद जाती है, अगर मैं ब्रेक ना लगाऊं तो सीधी निकल जाती है। चलो तो भाई अब एंड करते हैं इस व्लॉग को, थोड़ा सा आगे चल के करेंगे बाकी। ठीक है, गाड़ी का एक राइड एक्सपीरियंस मेरे को देना था, ड्राइव एक्सपीरियंस मेरे को देना था, और फर्स्ट टाइम मैं i20 चलाई है तो मेरे को बहुत अच्छी लगी। 81 bhp की पावर आपको देती है ये कार, पेट्रोल वर्जन है, मैग्ना मॉडल है, और 8 लाख रुपए में अगर आप एक चीज़ सोचते हैं, मतलब मैं दिल्ली का प्राइस आपको बता रहा हूँ, दिल्ली में जो मैंने अभी चेक करा है वो 8 लाख कुछ की ये कार आ रही है, मैं मोटा मोटा 8 लाख बताता हूँ, तो 8 लाख रुपए में ये गाड़ी बहुत प्यारी है। आप इसकी टेस्ट ड्राइव ज़रूर लें, अगर आप 8 लाख का बजट लेके मार्केट में निकले हुए हैं तो इसकी भी टेस्ट ड्राइव लो और ज़रूर से चला के देखो, वरना वो जा रही है और CNG में वो ले लेना, वो भी ठीक है। तो भाई घर के पास हम लोग आ चुके, थैंक यू सो मच भैया गाड़ी का रिव्यू करने देने के लिए और मेरे को सपोर्ट करने के लिए कि हाँ भाई गाड़ी में ये चीजें हैं बता दी साइज। अरे माय प्लेजर यार, तू तो हमारा पास छोटा भाई है और तू ये सब कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और ये देखो होना भी चाहिए। हाँ। आज के टाइम में तो जितने भी यंग पर्सन है कुछ लोग ड्रिंक स्मोक ये सब करते हैं, तू अपने लिए स्टैंड होना चाहता है तो ये तेरे लिए सबसे बेस्ट बात है। और भैया अभी अपना चैनल बनाने वाले हैं भाई, फिटनेस से रिलेटेड सारा उस पे कंटेंट शेयर करेंगे भाई का, अभी देख लो मैं कुछ बनाऊंगा। अभी कितने का हो गया भैया आपको भाई साहब? अभी तो कुछ भी नहीं है, तो डाउन है तो थोड़ी सी लूज टी शर्ट पहन रखी है, अभी कुछ नहीं है, थोड़ा अभी गेनिंग करेंगे उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपना ब्लॉग बनाना। देखो जनवरी या फरवरी में स्टार्ट करूंगा। चलो तो भैया आपको गुड लक है बहुत सारा, कि आप भी अच्छे से करना, और बाकी गाड़ी बहुत अच्छी है भाई, लोग अगर कोई भी है तो एक बार टेस्ट ड्राइव ले लो। मैग्ना मॉडल है ये, सबसे बेस मॉडल है गाड़ी का, बेस मॉडल ही था ना ये, बेस मॉडल है लेकिन इसमें आपको सब कुछ मिलता है जो मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया चीज गाड़ी की, और हुड भी आप देख सकते हो सारा क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं ऐसी। तो चलो इसे एंड करते हैं व्लॉग को, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग टिल, यहाँ तक देखा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और एक्चुअली मेरे थोड़े से बाल ऐसे ऐसे ही हो रहे थे तो इसीलिए मैंने दिखाया नहीं आज खुद को।